बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एम सी क्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जून के दूसरे हफ्ते के 25 से ज्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पर पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई हैं। पहला करंट अफेयर है, विंसेंट कोमन प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 2023, यानी कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर ये जून जुलाई से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर की जून जुलाई पर खत्म होता है, इसलिए 2022 टू 2020, यानी कि दो साल को मेंशन किया जाता है। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 14 जून 2022 को सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश किया। इस बजट को पेश किया सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी संभाल रहे। टोटल बजट का जो आउटले था वो ₹1.71 ट्रिलियन था और सीएम सिंह ने इस बजट को नाम दिया बजट फॉर द पुअर या पीपल्स बजट। और इस बजट में एजुकेशन को ₹326 बिलियन एलोकेट किए गए हैं। कुछ दिनों में हम बजट पर, यानी कि पाकिस्तान के प्रोविंशियल और फेडरल बजट्स पर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हर चीज आपके साथ डिटेल में शेयर की जाएगी। फिन केपी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 2023। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 13 जून 2022 को केपीके ने बजट पेश किया। इसको पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम खान जगड़ा ने। टोटल बजट आउटले ₹1,332 बिलियन था, यानी कि 1.3 ट्रिलियन। केपी के बजट को नाम दिया गया खुद्दार खैबर पख्तूनख्वा। वो भी कम द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू विन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। कौन है ऐसी पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी तूबा हसन, यानी कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को इससे पहले मंथ के अवार्ड से नहीं नवाजा गया। तूबा हसन इज द फर्स्ट, इनको 13 जून 2022 को इस अवार्ड से नवाजा गया। तूबा को इस वजह से नवाजा गया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, यानी कि उनकी वुमेन्स क्रिकेट टीम्स के दरमियान T20 सीरीज हुई थी 3 मैचेस की, जिसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, जिसमें उन्होंने 5 विकेट्स ली थी और श्रीलंकन टीम को रिस्ट्रैक्ट किया था। इस वजह से उनको मंथ का अवार्ड, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। पंजाब बजट फॉर द ईयर 2022 टू 2023 टू बी प्रेजेंटेड ऑन। अब पंजाब का बजट साल 2022-23 के लिए कब पेश हुआ। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन भी 13 जून 2022 को पंजाब का बजट भी पेश हुआ। इसको पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर अवेस लगारी ने, यानी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के। टोटल बजट आउटले, यानी कि टोटल बजट की रकम 3.226 ट्रिलियन थी और पंजाब ने इस बजट को नाम दिया रोशन रहे नया सवेरा। पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन हेल्ड इन। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन किस इलाके में मनाकिद हुआ। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी गिलगित में पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन मुनाकिद हुआ 11 जून 2022 को, और ये खेला गया ललक जान स्टेडियम गिलगित में, जिसमें 20 इंटरनेशनल बॉक्सर्स ने 10 कंट्रीज से हिस्सा लिया। इसमें हिस्सा लेने वाले बॉक्सर्स का ताल्लुक इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई, फिलीपींस, नाइजीरिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, कैमरून, कोरिया और पाकिस्तान से था। हुक लिंच द WBA एशिया साउथ सुपर फ्लाईवेट टाइटल इन जून 2022। किस बॉक्सर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन एशिया के साउथ सुपर फ्लाईवेट का टाइटल अपने नाम किया, जो कि बॉक्सिंग इवेंट जून 2022 यानी कि गिलगित में मुनाकिद हुआ था। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी आसिफ हजारा। आसिफ हजारा ने साउथ सुपर फ्लाईवेट टाइटल, एशिया साउथ सुपर फ्लाईवेट टाइटल अपने नाम किया। और साथ ही साथ उस्मान वजीर, जो कि आपको राइट साइड पर शो होंगे पिक्चर में, उन्होंने WBA एशिया वेल्टर वेट टाइटल जो है वो अपने नाम किया। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, कौन है मौजूदा सदर वेनेजुएला के। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी निकोलस मैदुरो। निकोलस मैदुरो को इस वजह से इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका का समिट हुआ था, यानी कि समिट ऑफ अमेरिका 2022, जिसमें तमाम कंट्रीज को, यानी कि अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को मधु किया गया था। इनको मधु नहीं किया गया था, उन्होंने तुर्की का दौरा किया था, जो इंटरनेशनल न्यूज में था, तो इस वजह से इस करंट अफेयर्स को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन एशिया पैसिफिक रीजन टू एंटर सोवरेन डिफॉल्ट इन द 21st सेंचुरी। कौन है ऐसा पहला स्टेट एशिया पैसिफिक रीजन में
जो कि रियासती कर्जों में डूब चुका है और वो अनेबल है, यानी कि वो नहीं चुका सकता रियासती कर्ज। ये 21st सेंचुरी की बात है, यानी कि 2000 के बाद से जो सेंचुरी हुई है, ऐसी पहली स्टेट यानी कि ऐसी पहली कंट्री है एशिया पैसिफिक में, गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका ऐसी पहली कंट्री है जो कि बैंक करप्ट होने के दहाने पर है, और अप्रैल 2022 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, यानी कि ये हमसे रह गया था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है ताकि आपको हम मुकम्मल नॉलेज दे सके, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ उसको शेयर किए जाए, अगर हमसे रह भी जाए तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम उनको कवर करते हैं। तो अप्रैल 2022 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि इस डिफॉल्टिंग यानी कि उनके साथ कर्ज चुकाने के, यानी कि जो रियासती कर्ज हैं उसके चुकाने के पैसे नहीं हैं, और ये श्रीलंकन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, यानी कि श्रीलंका ने 1948 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी। द कोवेटेड ट्रॉफी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 रीच पाकिस्तान ऑन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चमकती हुई ट्रॉफी कब पाकिस्तान के टूर पर पहुंची, इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 7 जून 2022 को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंची, जिसको रिसीव किया पाकिस्तान फीमेल फुटबॉलर हाजरा खान ने, और इस ट्रॉफी को जो घुमा रहे हैं वो है फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर फ्रॉम फ्रांस क्रिस्टियन कैरेम्बियो। और इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का जो वेट है वो 6.1 kg है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी करंट अफेयर्स में आ सकता है, और ये अब लाहौर के बाद उज्बेकिस्तान जाएगी। इन फीफा सस्पेंड्स पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुराना इवेंट है लेकिन फीफा से रिलेटेड था, इस वजह से शामिल किया गया है। कब फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यानी कि PFF को सस्पेंड किया, बैन किया इंटरनेशनल फुटबॉल्स पर ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। सो इन द गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 7 अप्रैल 2021 को फीफा ने पाकिस्तान की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया, और इसकी मेन वजह ये थी कि फीफा ने पाकिस्तान में नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तश्कील किया था, जिसको थ्रोन आउट किया उनके ऑफिस से बाय द ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स लीड बाय इशफाक हुसैन शाह, जो कि प्रेसिडेंट है PFF के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, लेकिन अभी उनको हटा दिया गया है। सो फीफा के साथ अभी बातचीत जारी है, सो मे बी पाकिस्तान की मेंबरशिप दोबारा से बहाल हो सके, लेकिन ये तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। इशफाक हुसैन शाह ये प्रेसिडेंट थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, एक इवेंट हुआ था 27 मार्च 2021 को जिसमें इशफाक हुसैन शाह और उनके ग्रुप लोगों ने इसी नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर अटैक किया, उनके लोगों को हॉस्टाइल बनाया और उनको ऑफिस से थ्रू आउट किया। सो फिर फीफा ने एक्शन लेते हुए अप्रैल में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ तुर्किया, कौन है मौजूदा वजीर दिफा तुर्किया के, इनका जिक्र भी अभी हाल में इंटरनेशनल न्यूज में आया। सो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर तुर्किया के हुलूसी अकार है। हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू रशिया, कौन है मौजूदा रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, ऑप्शन ए डेनिला गैनेज। इन्होंने अभी हाल ही में इमरान खान से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था कि हमारी इमरान गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की MOUs पर साइन नहीं हुआ, जिसमें ये बात लिखी गई हो कि हम रशिया से कम दामों पर तेल जो है वो उसको इंपोर्ट करेंगे। When government presented ₹9.5 trillion federal budget for the fiscal year 2022-2023, कब federal government of Pakistan ने ₹9.5 trillion का budget पेश किया, given option में से option C 10 जून 2022 को federal government ने 9.5 trillion का budget पेश किया। इस budget को पेश किया finance minister मिफ्ता इस्माइल ने, और ये बजट नियरली एट 1 trillion हायर देन है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि प्रीवियस में 8.5 ट्रिलियन पेश किया गया था। 2022-2023 फेडरल बजट में गवर्नमेंट ने ₹9.6 एलोकेट किए हैं क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्री के लिए, ₹699 बिलियन फॉर सब्सिडीज, जिसमें फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज शामिल है, ₹1.52 ट्रिलियन फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किए हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, यानी कि इस बजट में पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन रेट को कितना रखता है, 11.5 करंटली, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये 11.7% था। GDP ग्रोथ रेट पाकिस्तान ने 5% अचीव करना है। इस वीडियो में आपके साथ जस्ट बजट का ओवरव्यू पेश किया गया, इंशाल्लाह हम फेडरल बजट की और प्रोविंशियल बजट की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके साथ डिटेल में बात होगी तमाम बजट से रिलेटेड। इस वीडियो में मजीद करंट अफेयर्स होते हैं, सो अगर एक ही वीडियो में पूरे बजट को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, सो इस वजह से हमने शॉर्ट ओवरव्यूज आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। फेमस टेलीविजन पर्सनालिटी आमिर लियाकत हुसैन पास्ड अवे ऑन, कब आमिर लियाकत हुसैन, जो कि कंट्रोवर्शियल भी थे और पाकिस्तान में काफी फेमस भी थे, मीम्स उन पर काफी ज्यादा बनती थी,
तो कब उनका इंतकाल हुआ? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 9 जून 2022 को आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ। और यहाँ पर आपको एक नतर इम्पॉर्टेंट बात बताते चले, वो 3 टाइम्स उनको लिस्टेड किया गया 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड की जो रिपोर्ट होती है उसमें, और वो 100 पॉपुलर पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान में भी शुमार होते थे। वो मेंबर थे नेशनल असेंबली के भी अगस्त 2018 से लेकर जून 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। 9 जून 2022 को कराची में उनका इंतकाल हुआ और उनकी नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई 10 जून 2022 को, यानी कि जुम्मे के दिन, और ही लेट टू रेस्ट एट अब्दुल्ला शाह गाजी ग्रेवयार्ड। विच इज द टॉप रैंक्ड पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? कौन सा पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक? यानी कि उसमें तो वो इंस्टीट्यूशन काफी नीचे, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से कौन सा पाकिस्तानी टॉप इंस्टीट्यूशन है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए नर्स्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूशन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक। इस लिस्ट में 13 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है जिसमें नस्ट का 334वां नंबर है, कायद आजम यूनिवर्सिटी 363वां नंबर पर मौजूद है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड एम्प्लाइड साइंसेज यानी कि प्यास का 309 नंबर है। इस लिस्ट में ओनली 3 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप 500 का हिस्सा है, और बाकी जो 10 यूनिवर्सिटीज हैं वो 500 के बाद आती हैं। ये लिस्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, यानी कि MIT यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है, जो कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहले नंबर पर है इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और तीसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1000 ODI रन्स एज कैप्टन? कौन है से पहले प्लेयर जिन्होंने 1000 रन्स बनाए, फास्टेस्ट 1000 रन्स ODI क्रिकेट में यानी कि वनडे इंटरनेशनल में एज ए कैप्टन? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए बाबर आजम। बाबर आजम ऐसे पहले कैप्टन है जिन्होंने 13 इनिंग्स में 1000 रन्स मुकम्मल किए एज ए कैप्टन, और उन्होंने पीछे छोड़ दिया इंडियन फॉर्मर स्किपर विराट कोहली को जिन्होंने ये संगी मेल 17 इनिंग्स में कंप्लीट किया था। और बाबर आजम ने इस फीट को अचीव किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मुकाबला वनडे सीरीज का, और पहली ODI 8 जून 2022 को खेली गई थी मुल्तान में, तो उसमें उन्होंने 103 रन्स बनाए और उन्होंने ये संगे मील उबूर किया। हु इज द ओनली बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज ट्वाइस? कौन है सब पहले बैटर पूरी दुनिया में जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज 2 बार स्कोर की? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी बाबर आजम। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मौजूदा सीरीज जारी है उसमें पहले वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई, और इससे पहले उन्होंने 2 सेंचुरीज मार्च अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी और पाकिस्तान ने वो सीरीज भी जीती थी। और बाबर आजम ने पहली बार 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में सेंचुरीज की हैट्रिक की थी। वर्ल्ड बैंक इंडिकेट्स डैश परसेंट GDP ग्रोथ फॉर पाकिस्तान इन फिस्कल ईयर 2022-2023। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की इंडिकेशन कितनी की है फॉर द फिस्कल ईयर 2022-2023? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 4% वर्ल्ड बैंक ने इंडिकेट किया पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को। पाकिस्तान की बजट के मुताबिक जो गवर्नमेंटल फेडरल बजट है उसमें 5% को उन्होंने इंडिकेट किया है यानी कि हमने अचीव करना है। और इस 4% के बारे में वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जिसका टाइटल है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव्स को कौन शाया करता है? वर्ल्ड बैंक, और इसको शाया किया गया 7 जून 2022 को। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021-2022 ओनली 10% ऑफ GDP वॉज स्पेंट ऑन द एजुकेशन सेक्टर इन फिस्कल ईयर 2021, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कितनी परसेंट GDP जो है वो पाकिस्तान की एजुकेशन सेक्टर पर खर्च हुए साल यानी कि फिस्कल ईयर 2021 में? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 1.77% टोटल GDP जो है वो एजुकेशन पर स्पेंट हुई है, और साथ ही साथ जो लिटरेसी रेट था वो रिकॉर्ड हुआ है 63%। व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 वाज रिलीज्ड? कब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे साल 2021-22 उसको रिलीज किया गया यानी कि फिस्कल ईयर 2021 की? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी जून 9, 2022 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने
इसको रिलीज किया। द नेशनल असेंबली अनोनिमसली पास्ड अ बिल टाइटल द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2022। अब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने बिल पास कराया जिसका नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2022। एंड गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 8 जून 2022 को नेशनल असेंबली ने सेनेट के बाद, यानी कि सेनेट ने पहले इसको अप्रूव किया, फिर नेशनल असेंबली ने 8 जून 2022 को इसको पास किया। और इसमें मेन बात ये है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन करना है, यानी कि जुडिशियल पावर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर उनको कम करना है, डिप्टी कमिश्नर्स के पावर्स को कम करना है, एंड द कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। सेनेट और नेशनल असेंबली से पास होने के बाद अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इसको अप्रूवल देना है, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ये 124th ईयर ओल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में इसको रिलीज किया गया था, इसमें चेंजेस होगी, यानी कि 124 साल बाद, और इसको पेश किया गया था एमएनए शाहजा फातिमा ख्वाजा ने। व्हेन प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी अप्रूव्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, कब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोबारा से उन्होंने बहाल कराया नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, यानी कि एनएससी को, गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 7 जून 2022 को उन्होंने दोबारा से बहाल किया नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ये 13 मेंबर पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, यानी कि फिर प्लान्स भी बनाने हैं, वाइल इंश्योरिंग बैलेंस्ड डेवलपमेंट एंड रीजनल इक्विटी अंडर आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022? क्या थीम रहा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 के? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इसका मकसद होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर एंगेज इन चाइल्ड लेबर, यानी कि आपने बच्चों पे लेबरिंग मजदूरी नहीं करवानी, उन पे आपने मशक्कत वाले काम नहीं करवाने। इस डे को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से डिक्लेयर किया गया 2002 में, और जो थीम था इसका फॉर द ईयर 2022 वाज़ द यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ द अमेरिकास 2022? कौन सा शहर मेजबानी कर रहा है समिट ऑफ द अमेरिकन्स 2022 की? मेजबानी कर चुका है गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी लॉस एंजलस। जैसे कि हमने पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की बात की, सो उनको इस समिट में मधु नहीं किया गया, तो समिट ऑफ द अमेरिकास को 6 जून से लेकर 10 जून 2022 तक लॉस एंजलस में मुनक्किद किया गया। तो ये 9th समिट है समिट ऑफ द अमेरिकास का। यूएस प्रेसिडेंट और डोजन्स ऑफ अदर वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि यूरोपियन जितने भी लीडर्स है, वेस्टर्न लीडर्स सॉरी, उसको इस समिट में मधु किया गया था और उन्होंने हिस्सा भी लिया। और ये 3 साल के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें जो बेसिक इनके मकासद होते हैं वो सच इज इमिग्रेशन, जो प्रॉब्लम्स है ट्रेड के एंड पुअर्टी के, उन पे ये बातचीत करते हैं। और जो थीम था समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 का वो था बिल्डिंग ए सस्टेनेबल रेजिलियंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ऑन जून 8, 2022 विच कंट्री डिस्कनेक्ट सम ऑफ IAEA मॉनिटरिंग कैमराज एट न्यूक्लियर साइट? 8 जून 2022 को किस कंट्री ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सब मॉनिटरिंग कैमरास को अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि बंद कर दिया? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ईरान। ईरान ने, ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टेटमेंट में बताया कि जब वेस्टर्न नेशंस ने उनके खिलाफ एक मोशन पास किया IAEA को कि ईरान हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा, सो ईरान ने यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है यानी कि IAEA, उसके कुछ कैमरेज अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर बंद कर दिए। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू लॉन्च ई गेट फॉर ई पासपोर्ट? कौन ऐसी पहली कंट्री साउथ एशिया में जिसने इलेक्ट्रॉनिक गेट्स मुतारिफ कराए हैं इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स के लिए? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसी पहली कंट्री जिन्होंने ई गेट्स यानी कि ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम इसको लॉन्च कराया है अपनी एयरपोर्ट्स पर, और इसको इंटीग्रेट किया गया, इंस्टॉल किया गया है हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका में, और इसमें जो पैसेंजर है उसका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा 18 सेकेंड्स में। टोटल 12 ई गेट्स को इंस्टॉल किया गया है डिपार्चर एरिया में, और 3 को इंस्टॉल किया गया है अराइवल एरिया में। व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन फ्रांस एंड जर्मनी हैव सबमिटेड अ मोशन टू द यूएन एटॉमिक एनर्जी वॉचडॉग टू सेंश्योर ईरान, कब यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी यानी कि इन 4 कंट्रीज ने
ईरान के खिलाफ यूएन एटॉमिक एनर्जी वॉचडॉग यानी कि आईएईए को मोशन सबमिट किया कि आप ईरान पे जोर डालें कि आप कोऑपरेशन करें हमारे साथ एटॉमिक जो डील्स भी उसमें इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 7 जून 2022 को इन फोर कंट्रीज की जानिब से मोशन ये पास हुआ यानी कि इसको सबमिट किया गया यूएन एटॉमिक एनर्जी वॉच डॉग में कि आप ईरान पे ये प्रेशर डालें कि वो कोऑपरेशन करे आईएईए के साथ यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। और ये फर्स्ट टाइम है सेंस जून 2020 से यानी कि 7 जून 2022 से पहले इसको जून 2020 में सिमिलर मोशन को ईरान के खिलाफ सबमिट किया गया था यूएन एटॉमिक एनर्जी वॉच डॉग यानी कि आईएईए में।